तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि एक टाइम आने पर एक ऐसा स्मार्टफोन भी हम यूज़ कर सकते हैं जो आपके स्किन के साथ तो चलेगी पर साथ ही वो हवा से भी कंट्रोल हो सकती है, और तो और दोस्तों इसे अपनी आंखों से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर दोस्तों आज हमारे पास 2021 में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इनफैक्ट मैं कहूँ ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ था, तो सॉरी इतना ज़्यादा लेट से वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस बारे में सब कुछ बात करते हैं कि इस फ़ोन में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा, और इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है अगर आप इस फ़ोन को बाय करने की सोच रहे हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल और लेट्स डू इन्फिनिटी टेक के एक और नए वीडियो पर आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले कि इस फ़ोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात करना शुरू करें, मैं आपको उस चीज़ की ओर ले जाना चाहूँगा जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को इतना इंटरेस्ट लेकर देख रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसी कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं जो आपको अदर फोन से इस फ़ोन को खास बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक एयर वेक नाम का ऑप्शन दिख जाता है जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने फ़ोन को अगर जगाना चाहते हो तो बस आप हवा में अपने फ़ोन के आगे अपने हाथ को हिला दो, फ़ोन खुद से आपके हाथ को सेंस कर लेगा और वो जाग जाएगा। दूसरा है दोस्तों एयर स्वाइप, मतलब दोस्तों अगर आपके हाथ गंदे हैं, आप कुछ काम कर रहे हो जिससे आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ नहीं कर सकते उस वक्त, तो आपको बस एयर स्वाइप कर देना है, मतलब आपको हवा में हाथ हिला देना है और फ़ोन में वहाँ स्वाइप हो जाएगा। दोस्तों तीसरा ऑप्शन यहाँ निकल कर आता है एयर स्क्रॉल, मतलब अगर आपके हाथ गंदे हैं और आप उस वक्त स्मार्टफोन को नहीं छू सकते तो सिंपली आप बस हवा में अपने हाथ को इस तरह से स्क्रॉल कर लो और आपका काम बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो चौथी बात आती है वो है एयर प्रेस, मतलब कि दोस्तों अगर आपको मैंने कॉल किया या फिर शायद आपके किसी रिलेटिव ने कॉल किया तो आपको यहाँ पर फिर से स्क्रीन को छूने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हवा में अपने फ़ोन को इस तरह से प्रेस कर दो, आपका अपने आप दोस्तों वहाँ पर प्रेस हो जाएगा। जो यहाँ पर पांचवी चीज़ निकल कर आती है दोस्तों वो है एयर वॉल्यूम कंट्रोलर, मतलब कि दोस्तों अगर आपको फ़ोन का आवाज़ कम करना है तो आपको वहाँ पर बटन दबाकर आवाज़ कम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप दोस्तों अपने हाथों से ही आवाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं हवा में रखकर। और जो दोस्तों नेक्स्ट 6 नंबर पर मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा यार, वो है दोस्तों आई कंट्रोल, मतलब दोस्तों आपके आंखों के मुताबिक अब आपका ये फ़ोन चलने वाला है। मतलब दोस्तों अगर आपने अपनी स्क्रीन को नीचे से ऊपर की ओर देखा तो फ़ोन ऊपर की ओर स्क्रॉल होगा, और अगर आपने ऊपर से नीचे की ओर देखा तो फ़ोन नीचे की ओर आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खास लगा। नंबर 7 पर है दोस्तों एयर आंसर, मतलब अगर आपको किसी ने कॉल किया तो बस आप हवा में इस तरह से एक बार पुश कर दो, आपका अपने आप कॉल रिसीव हो जाने वाला है। तो सारे के सारे फीचर्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हटके और अमेजिंग लगे। तो दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को बाय करते हो तो आपको यहाँ पर बक्से के अंदर क्या कुछ देखने को मिल जाएगा, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये एक ब्लैक कलर के शाइनी बॉक्स में आपको देखने को मिलती है, और दोस्तों इस बॉक्स के अंदर आपको ऑफकोर्स आपका स्मार्टफोन तो दिया जाता है पर इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक सिम कार्ड टूल, कुछ डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट केस, और दोस्तों यहाँ पर 66 वॉट का फास्ट चार्जर आपको दिया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको USB A to C का केबल, और दोस्तों वाव हवा यहाँ पर आपको ईयरफोन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद ये आपको ईयरफोन दे रहा है, तो मैं कहूँगा कि इस ईयरफोन देने के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों इस फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और हटके है, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन का प्राइस भी थोड़ा सा हटके है। वैसे हम प्राइस के बारे में लास्ट में डिस्कशन करेंगे वरना आप लोग वीडियो को क्विट कर देने वाले हो। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इस फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और शाइनी सी लुक दी गई है, तो मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको ना ही ज़्यादा डीप शाइन दिया गया और ना ही ज़्यादा लाइट शाइन, मतलब सब कुछ को एवरेज और मीडियम में रखा गया ताकि आपके फ़ोन में एक डिफरेंट लेवल का लुक आए। तो दोस्तों जब मैंने इस फ़ोन का फर्स्ट लुक देखा था तो मैं कन्फ्यूज हो गया था कि इतने पतले से जगह में ये लोग कैसे पावर बटन और वॉल्यूम बटन को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा कर्व जो आपके फ़ोन के एक्सपीरियंस का लेवल को थोड़ा सा और ज़्यादा हाई कर देती है। पर दोस्तों यहाँ पर हुआवे ने फिर से दिमाग लगाया और कर्व डिस्प्ले के नीचे ही थोड़ा सा जगह बचाकर वहाँ पर एक रेड कलर का पावर बटन और ऊपर में एक वॉल्यूम बटन दे रखा है, तो मैं कहूँगा कि यार ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर फ़ोन के अपर साइड में आपको एक सेकेंडरी माइक्रोफोन, आयर ब्लास्टर और एक स्पीकर ग्रिल दिया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले लेफ्ट साइड की तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही क्लियर है, बस आपको यहाँ पर डिस्प्ले का मज़ा देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों फ़ोन के नीचे साइड में आपको एक टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट, एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। और दोस्तों फ़ोन को हर एंगल से कर्व बनाने की कोशिश की गई है,
तो आपको जो हैंड फीलिंग आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट सा आने वाला है। और दोस्तों साथ ही अगर आप इसके बैक साइड में कैमरा को देखोगे तो एक पल के लिए आपको लगेगा कि यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा दिया गया, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको बस ट्रिपल कैमरा दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ बैक की ओर आपका 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक 12 मेगापिक्सल का 5x ऑप्टिकल जूम के साथ कैमरा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा पैनल में LED लाइट भी साथ में ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब आते हैं इस फ़ोन के फ्रंट साइड की ओर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6.7 इंचेस का OLED डिस्प्ले और 19 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फ्रंट में दोस्तों 13 मेगापिक्सल और एक अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ ड्यूल कैमरा दिया गया है जो एक पंच होल डिस्प्ले के साथ आती है, तो दैट इज़ अमेजिंग इन लुक दोस्तों। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरह का AI दिया गया है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला AI देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा AI आपको दिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब इस फोन का AI दोस्तों एक 3D मॉडल पर काम करता है, मतलब अगर आप अपने फेस अनलॉक का इस्तेमाल पूरे अंधेरे में भी करना चाहते हो तो ये आसानी से कुछ ही देर में अनलॉक कर देने वाला है, तो दैट इज़ रियली टू मच अमेजिंग दोस्तों। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर आपको जो फ़ोन का UI दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा नेट एंड क्लीन है, और दोस्तों ये भी Android 10 पर ही बेस्ट है जो कि एक 5G स्मार्टफोन है। यहाँ पर दोस्तों ये आपको 8 और 256 GB के सेटअप के साथ देखने को मिल जाती है जो किरिन के 9000 5G का प्रोसेसर के साथ आती है। और दोस्तों यहाँ पर भी बैटरी थोड़ा सा कम दिया गया है और वो है दोस्तों 4400 mAh। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, इससे आपका चार्जर है 66 वाट का, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया। और दोस्तों फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग, सब कुछ यहाँ पर इस फोन में आपको परमिशन दिया जाता है। तो दोस्तों इस फोन में मुझे सब कुछ अच्छा लगा, अभी फीचर्स बाकी हैं, पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कैमरा है वो इतना ज्यादा खास बनाया गया कि आज भी कई सारे स्मार्टफोन्स को टक्कर दे देता है। तो दोस्तों मुझे लगता है इस फोन को बनाने पर कंपनी ने काफी ज्यादा मेहनत किया है, काफी ज्यादा, और उनकी मेहनत आज भी साफ साफ दिखती है क्योंकि काफी सारे फोन्स को, इनफैक्ट ये आईफोन को भी टक्कर देने के लायक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस, तो चूंकि यहाँ पर आपको बहुत ही तगड़ा वाला प्रोसेसर साथ ही कर्व स्क्रीन देखने को मिलता है और डिस्प्ले भी दोस्तों आपको काफी ज्यादा तगड़ी मिलती है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हाई लेवल का होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस फोन के साथ एक स्क्रीनशॉट लेने की सोच रहे हो तो यार ये काफी ज्यादा मजेदार है, आपको बस हवा में अपना पंजा मार देना है स्क्रीन के सामने हाथ ले जाकर और अपने आप एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड वाला स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो दोस्तों सच में ये फीचर काफी ज्यादा अमेजिंग लगा ना। तो दोस्तों अगर मैं लास्ट में अपना कंक्लूजन बताऊं तो ये फोन बहुत ज्यादा तगड़ा है, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस फोन के साथ है जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों इतनी ज्यादा अमेजिंग स्मार्टफोन में अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे दिल की जान गूगल नहीं देखने को मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा? बस वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर इस फोन के साथ है। पता नहीं उनका कुछ इश्यू हुआ होगा जिसकी वजह से हुआवे ने अपने फोन से गूगल को हटा कर रख दिया, मतलब आप यहाँ पर यूट्यूब, ईमेल, इन सब चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो दोस्तों आपको टाइम ट्रेवल करके पीछे जाना पड़ेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी का यूज करके एंड्रॉइड 10 की जगह एंड्रॉइड 4, 5 या फिर 6 तक चला सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा हो जाने वाला है क्योंकि दोस्तों फिर आपके पास गूगल नहीं रहेगा। हालांकि उनका कुछ अपना एक इंटरनेट एक्सेस है, पर फिर भी दोस्तों हम सबको गूगल की आदत है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हम सब के लिए। तो क्या आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहोगे जो आपके हाथों के साथ साथ आपकी आंखों से भी चलती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट करो, और हाँ अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो योर वर्ल्ड विद ईज़, मोर स्टेबलाइजेशन, मोर पर्सपेक्टिव एंड अ लॉट मोर इंटेलिजेंस, ब्रिंगिंग यू कलर एंड डेफिनेशन दैट्स सेकंड टू नन। इट्स फ्रंट कैमरा स्मार्टली फिट्स एवरीवन इन and puts your selfies in slow-mo. It responds to your gestures and even to your eyesight. Tap to work with your MateBook. Need more windows? Yes, one more, and one more. Get super fast charging with accessories packed with advanced technologies. It brings you an experience like no others. This is the Huawei Mate 40 series.